यहाँ पे अर्श व्लॉग्स बता के अगर आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 15 मिनट लेट हो गए, पूरे 15 मिनट। अगर वहाँ का काम 15 मिनट पहले हो जाता ना तो भीड़ बहुत रहती है और अच्छा लगता है वहाँ पे शाम के टाइम भी। कोई अगर इंडिया से बाहर का कोई बंदा आता है ना तो उसको कैसा लगेगा यार, कितना गंद मचा रखा है। अंधेरा होने वाला है और यार कितनी गलत लेके आ रहा है, देख रहे हो कितनी गलत लेके आ रहा था। बस वो चढ़ा देता हूँ, पर ऐसा मन आ रहा था उसका। तो मैं क्या कह रहा था, अभी होने वाली है शाम, तो शाम से पहले हो गया गाड़ी बंद। क्या हो रहा है आज ये। तो अभी होने वाली है शाम और मैं स्वेब हम दोनों निकल चुके हैं। छोटा सा काम था अपने व्लॉगिंग चैनल के लिए, कुछ मैंने पहले बनवाया था, स्टिकर बनवाया था नेहरू प्लेस में। जब शाम हो जाती है उसके बाद भी बहुत, मतलब वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है और अच्छा लगता है वहाँ पे शाम के टाइम भी। दिल्ली में मेट्रो का काम ना बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, कहीं कहीं जहाँ पे लाइन बची हुई है। देखो ये मेट्रो का काम चल रहा है हमारे घर के पास और अभी तो रास्ता बिल्कुल खुला मिल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब यहाँ पे उसके स्पैन वगैरह डलने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत ट्रैफिक होगा इस रोड पर। और ये कौन सा वाला रूट है मैं बता देता हूँ, जो मेहरोली से सीधा बदरपुर को रोड जा रहा है वही वाला रूट है ये। आज पहली बार मैं इतना खुला रोड देख रहा हूँ इस टाइम यहाँ से। यहाँ पर ये है खानपुर से चिराग दिल्ली वाला रूट और इतना खाली रोड कभी मिलता नहीं है। मिलता है कभी? ये कभी खाली नहीं मिलता। और मुझे तो ये पता था कि मैं वैसे गाड़ी से घर से निकला हूँ तो यहाँ पर जो ट्रैफिक मिलेगा उसकी वजह से इतना लेट हो जाऊँगा, ये सोच के ही चला था। लेकिन इस बार तो कोई ट्रैफिक मिला ही नहीं, बिल्कुल खाली। ये रेड लाइट पर थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बाकी ये इस रूट पर भी बहुत पीछे से ही पूरा पैक होकर रहता था। अभी तो खैर देखो क्लियर है। नेहरू प्लेस के पार्किंग में ना जब भी आओ तभी देखो तो भीड़ ही मिलती है। चाबी छोड़नी पड़ेगी? चाबी पहले दे जाओ, गाड़ी ले जाओ। अच्छा गाड़ी ले जाऊं, चाबी छोड़ दूं तो कैसे ले जाऊंगा? भाई चाबी दे जाओ और गाड़ी ले जाओ। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी और मैंने जो सोचा था कि हम नेहरू प्लेस में पहुँचते पहुँचते ना जब हम पहुँचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है। दिन ही निकल रहा है अभी तो यार, अच्छा खासा दिन निकल रहा है। मैंने तो ये पूरा प्लान कर लिया था कि जब हम पहुंचेंगे नेहरू प्लेस तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ठीक है यार, काम और भी निपटा सकते हैं इसका मतलब। अभी पहले जो स्टिकर का काम है वो निपटा लेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत और काम है वो भी कर लेंगे। और अब जा रहे हैं मार्केट के अंदर, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। रखा हुआ है बस, प्रिंट तो हो चुका है, सिर्फ कटिंग बची है, एक तो हो गई है, एक हो गई है, सब कुछ रेडी है। बाकी हमने पहले डिसाइड किया था एक एक प्रिंट लेने के लिए, फिर मैंने सोचा यार अभी दो दो ले जाते हैं, जो जितना बढ़ाना हो ऑफिस में जाके फिर उतना बढ़ाते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कह रहे थे, आज हालत खराब हो गई, आज हालत खराब हो गई, खड़े खड़े हम ऐसे कैसे रखे हुए हैं अभी, देखते हैं कितना टाइम होगा। भाई साहब फाइनली बहुत हो गया है और अभी मैं बता देता हूँ मैं आया कहाँ पे हूँ प्रिंट कराने के लिए। देखो ये भैया लियाकत भाई, जिसको भी ये काम कराना है देख लो। और अभी मैं कहूँ मैं हूँ धर्म, क्या नाम है, धर्म रेपोग्राफिक नेहरू प्लेस। लो भैया बताइए, धर्म रेपोग्राफिक नेहरू प्लेस बेसमेंट में, कुंदन हाउस के बेसमेंट में। जिसको भी स्टिकर या कुछ भी फोटो कॉपी ड्राइंग कॉपी प्लॉटिंग जो भी है ये सब पढ़ लो, ये सब कराना है तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ आने के बाद लियाकत भाई से मिल लेना,
मेरे नाम पर अच्छा डिस्काउंट भी देना है, डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे आओ, आने के बाद भाई से मिलो, मिल के फोटो कॉपी ये स्टिकर कुछ भी कराना है वो यहाँ पे आके कराओ। यहाँ पे अर्श ब्लॉग्स बता के अगर आओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट दे। सेब ऐसा लग रहा है यहाँ धर्म प्रिंट्स पे तो अर्श ब्लॉग्स या ब्लॉग्स हो रहा है सब जगह, देख लो ये हमारे स्टिकर फैला रखे हैं। और यहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है, देखो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, भैया बैठे हुए हैं इधर और वो डिज़ाइनर हैं, ये भी मशीन है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। यहाँ पे सेटअप है, एक और कहीं और भी इनका सेटअप है और सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं कभी भी आता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके काम कराता हूँ, स्टिकर का, प्रिंट का, ऑफिस का जो भी काम हो मैं सीधा यहीं आके कराता हूँ। पहला स्टिकर तो ये फाइनली कर दिया है, इसको हो गई मेहनत वसूल, इतना टाइम लग गया यार। चलो दोनों ले लो। देख रहे हो इतनी मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, अगर कोई भी काम कराने आओगे तो सारा काम होगा, कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं होगा, सारा काम ही निपटा के जाओगे। लेमिनेशन हो रही है, ये क्या हो रहा है? क्रीजिंग। अच्छा जो भी हो रही है ये वो क्रीजिंग हो रही है, क्रीजिंग क्रीजिंग। हाँ ठीक है, बाकी हमारा काम हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन काम हो गया और अच्छे से काम हो गया, परफेक्टली काम हो गया। थक गए यार बता, खड़े खड़े आ गए, इतना टाइम लग गया यार, बहुत टाइम लग गया एक छोटे से काम के लिए ना, कितने 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पूरे पूरे हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि इस काम के बाद ना एक काम और निपटा सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिला, तो अब चल रहे हैं वापस हम अपने घर, अपने ऑफिस में जो अपना काम है वो निपटाते हैं। अंधेरा अच्छी तरह हो चुका है, बस यार ये जो गंद करते हैं ना ऐसे गंद नहीं करना चाहिए। लोग ना पता है जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उसको ना गवर्नमेंट की समझते, ये नहीं समझते कि यार ये चीज़ें हैं ही हमारे लिए, गवर्नमेंट है किसकी, हमारे लिए तो है, तो ऐसे गंद ना करें यार। कोई अगर इंडिया से बाहर का कोई बंदा आता है ना तो उसको कैसा लगेगा यार, कितना गंद मचा रखा है। तो हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ पे, सेफली खड़ी कर दी है पार्किंग में। एक ज़रूरी काम से नेहरू प्लेस से सीधा हम भगे थे साकेत, कि एक काम था और वो करीबन मैं एक हफ्ते से कर नहीं पा रहा था, मैंने सोचा नेहरू प्लेस का काम निपटा के फिर सीधा आऊँगा एयरटेल में। अब मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मुझे कोई नंबर पोर्ट कराना था, मेरे बिल वाला नंबर है उसमें कुछ काम था, उसका नंबर ऐड कराना था, थोड़ा सा लेट हो गए, 7:30 बजे तक का लास्ट टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 15 मिनट लेट हो गए, पूरे 15 मिनट। अगर वहाँ का काम 15 मिनट पहले हो जाता ना तो शायद अभी हम दूसरा काम भी निपटा देते, तो कोई नहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बाकी स्टिकर आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आपने तो देख ही लिया पहले स्टिकर, आप बस उसमें थोड़ा सा काम ये करवाया है, कोई स्टिकर को बड़ा करवाया और गाड़ी के हिसाब से करवाया है, गाड़ी में लगाना है। तो बस ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, फिर आप सब लगा तो एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय 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 बाय।